बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जुड़ चुके हैं ग्रोइंग कश्मीर के साथ। मैं आफाक बशीर आपको ले चलता हूं शुपियन खबर के साथ। शाम देर गए शुपियन से खबरें आ रही है एनकाउंटर की। शुपियन के मसाफाती गांव धनगाम है, जो हरमैन बेल्ट में पड़ता है। 34 RR CRPF और पुलिस को एक मुसद्दिका इतला मिली थी। इतला के बाद कैसो लगाया गया। कैसो के बाद वहाँ पर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, एक रफल जब्त की गई है और एक फौजी भी जख्मी है। इसी खबर के हवाले से हमारा नुमाइंदा उमर मलिक ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाजरीन, आपको हम बताएंगे तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम उमर मलिक। वालेकुम सलाम उमर, क्या तफसीलात है एनकाउंटर के हवाले से? जी सर, मैं आपको बताता चलो, ये जो दांगा में तकरीबन शोपियान से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इतला मिली थी देर शाम की, यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पे जो है तलाशी अभियान चलाया। आने जाने के जितने भी रास्ते थे उनको क्लोज कर दिया गया जी। तो उसके बाद जो ही सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चला तो वहाँ पे जो है हाइडिंग मिलिटेंट्स थे, उनने सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की। तो फायरिंग के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई की। तो इस फायरिंग के तबादले में जो है एक मिलिटेंट की जो है मौत हुई है। जी, तो एक मिलिटेंट जो है वहाँ पे जो उसके वहाँ पे उसके साथ एक जो आर्मी जवान है उसको वो भी वहाँ पे जो है जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है एक रफल भी जब्त की गई है। जी सर, यहाँ पे जो है एक रफल जब्त की गई है जो ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हुआ कि वो M4 है। अच्छा, इंटरनेट के हवाले से क्या तफसीलात है? अभी तक जो है इंटरनेट अभी तक जो है अभी तक इंटरनेट चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसकी वजह से अभी तक क्या पता कि कुछ देर बाद यहाँ पे जो है इंटरनेट को स्नैपड किया जाएगा। चलिए उमर, आप बने रहे हमारे साथ। जब भी आपको कोई तफसीलात मिलती है इस हवाले से तो आप प्लीज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप बता दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। अस्सलाम ओके वालेकुम। सर, वालेकुम सलाम।